भी अपने आप पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुई है विश्वकर्मा जी जयंती के अवसर पर। ऐसे 18 श्रेणियों के जो लोग हैं जो इस प्रकार के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए पहली बार इस तरह का एक प्रकल्प भी चालू हुआ है जिसमें उन्हें निःशुल्क कई प्रकार की सुविधाएं मिलने का, उन्हें प्रशिक्षण मिलने का और उनके द्वारा निर्मित किए गई सामग्रियों को एक पोर्टल पर कलेक्ट करके और बाहर विदेशों तक भेजने का भी एक प्रकल्प आज से चालू हुआ। तो अपन अधिकतम लोगों को जो लोग इससे लाभ उठा सकते हैं जो आज जो प्रकल्प चालू हुआ है उसका भी जानकारी पहुँचाएँ। और जैसे अपनी प्राचीन परंपरा थी कि हर गांव के अंदर वस्तुएं बनती थी, जैसा अभी एक योजना चली कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसी प्रकार हमारे यहाँ पहले चलती थी एवरी विलेज ऑल प्रोडक्ट। सभी गांव में खेल बनाने का कार्यक्रम होता था, एक लोहार होता था, एक बड़ई होता था, एक मटके बनाने वाला होता था, माने अपनी ज़रूरत का सारा सामान हर गांव में खुद ही बना करता था। अंग्रेजों का दौर आया, उन्होंने वो सारे सिस्टम अपने लघु उद्योग जो कुटीर उद्योग में कहा जाता है वो सारे उन्होंने समाप्त करवाए और बड़े शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाकर और वहाँ से उनकी सप्लाई करवाना चालू की। गाँव में जो कच्चे पदार्थ बनते थे वो उन्होंने वहाँ से समाप्त करवाना चालू। तो अपना फिर से वही विजन होना चाहिए कि जैसे मैकाली ने क्या किया कि अपने गुरुकुल समाप्त किए और शिक्षा का केंद्रीकरण कर, उसी प्रकार से उद्योगों का भी जो कुटीर उद्योग थे उनको समाप्त किया गया और उनका केंद्रीकरण कर दिया गया, उसके पुनः विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। तो भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर हम सब अब ये शपथ लें कि हमारा जो भी गांव है, हमारा जो भी संबंधित क्षेत्र है, वहाँ हम प्रयास करेंगे कि शासन के द्वारा उपलब्ध कई प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे स्व सहायता समूहों को कई प्रकार के उद्योग खोलने की सरकार सुविधा देती है, तो हम उनको अपने माध्यम से या अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त करके इस प्रकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देंगे, जिससे और अपन कोशिश करें कि जैसे अपन एक पौधा लगाने की कोशिश प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से हम एक ना एक उद्योग हमारे माध्यम से उद्योग विभाग के सहयोग से अन्य शासकीय जो योजनाएं हैं रचनाएं हैं जनपद के माध्यम से स्व सहायता समूहों के माध्यम से कोई एक ना एक अपन उद्योग किसी न किसी ग्राम में एक छोटा उद्योग अपन स्थापित करवाने में सहयोग करवाएं। उस प्रकार की कई संस्थाएं और भी जारी हैं, जैसे लघु उद्योग भारती एक संघ का संगठन है वो भी इसके लिए काम कर रहा है। हमारे यहाँ शहरों में के अंदर भी उद्योग विकास केंद्र बने हुए हैं, तहसील के अलावा ज़िले पर भी बना हुआ है, तो लोगों को उसकी भी जानकारी दें और उसका लाभ लोगों तक किस प्रकार से पहुँचे हम उसमें अगर एक कड़ी के रूप में काम कर सकें तो ये बहुत बड़ा योगदान हम लोगों के द्वारा बहुत छोटी सी पहल के माध्यम से हो सकता है। बस इन्हीं पर धन्यवाद उपाध्याय जी, आपने सभी को प्रणाम बातें बताएंगे भगवान को।